हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, सभी को पता है कि GSTR 9 और GSTR 9C बहुत ही जल्द उसके लिए हमें अपना डेटा प्रिपरेशन करना होगा, यानी रेडी करना होगा, तैयार रखना होगा, ताकि सही टाइम पे हम अपना GSTR 9 और GSTR 9C को फाइल कर सके, वो भी बिना किसी गलती के। क्योंकि एक बार रिटर्न फाइल कर दिया तो उसको दोबारा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। साफ साफ गवर्नमेंट ने इस बात का डिक्लेयर कर दिया है। तो आई होप कि आप लोगों ने अपना डेटा भी रेडी कर लिया होगा, क्योंकि सभी को पता है कि जो जून का लास्ट और जुलाई का जो स्टार्टिंग डे रहेगा वो हमारे लिए GSTR 9 और GSTR 9C के लिए लास्ट डेट रहेगी, 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने अपना पूरा डेटा प्रिपेयर कर लिया होगा। इस टॉपिक में मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि आपको क्या क्या रेडी रखना है। आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ कि GSTR 9 को फाइल करते टाइम आप लोग किन बातों का ध्यान रखेंगे। आज हम सिर्फ GSTR 9 की बात करेंगे, GSTR 9C की मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि GSTR 9 फाइल करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन जो मेन इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको ध्यान में रखते हुए अपना GSTR 9 को तैयार करना है दोस्तों, ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि एक बार रिटर्न फाइल हो गया तो GSTR 9 दोबारा रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे आप, ना तो उसमें एडिट कर पाओगे, ना ही तो अमेंडमेंट का ऑप्शन कोई आएगा हमारे सामने। आगे का मुझे नहीं पता, अगर गवर्नमेंट ने कोई फैसिलिटी दे दी तब कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ जितना नॉलेज में है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि GSTR 9 में दोबारा हम एडिट या अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप लोगों ने अपना डेटा प्रिपेयर कर लिया होगा। चलिए, आज की जो टॉपिक है उसको हम पकड़ते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा जो कि मेरा ही चैनल है, वो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने खासतौर ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया है जो मेरे चैनल से या यूट्यूब से ज्यादा अपडेट नहीं रहते हैं, कम ही आते हैं, या फिर उन पर नोटिफिकेशन नहीं जा पाता तो उनको नहीं पता चल पाता कि मैंने नए वीडियो यहाँ पे अपलोड किए हैं या नहीं किए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को टेलीग्राम के साथ इनवाइट करता हूँ कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दूंगा वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम में सर्च में जाके ऑनलाइन सेवा अगर आप टाइप करते हैं तो भी मेरा चैनल आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आप सर्विस पे जाएंगे, सर्विस पे जाने के बाद रिटर्न पे जाएंगे, और रिटर्न पे जाने के बाद जो एनुअल रिटर्न का टैब आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे सामने एक पॉपअप होगा वो देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमें लेना है 17-18, सर्च कर लेंगे। इसके बाद बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन आता है जैसे कि एनुअल रिटर्न पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको। बाय डिफॉल्ट या आपका जो नो रहेगा ये नो रहेगा, अगर यस रहता है तो भी आपको नो करना है। यस किस केस में करना है, अगर मेरा पूरे फाइनेंशियल में किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न गया ही नहीं, गया है तो निल गया है तो उस केस में हम इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा रिटर्न जाता था। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो दोस्तों हमारे सामने ये एक पेज ओपन हुआ है, आप देख सकते होंगे, डाउनलोड GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी PDF, डाउनलोड GSTR 1 समरी PDF और डाउनलोड GSTR 3 भी समरी PDF। यहाँ पे सारे आप टैब देख रहे होंगे, कॉलम नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी है नीचे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लेट फीस। लेट फीस अभी हाइड हुआ पड़ा है क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। जैसे ये टाइम डिले हो जाएगा, पार हो जाएगा ये टाइम, यानी इस टाइम से पहले पहले हम अपना रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और उनको लेट फीस फाइल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जितने भी टैब दिए हुए हैं दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को वन बाय वन
समझाने वाला हूँ, एक एक कंसेप्ट आपको फिल करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा केस आया है जिसमें ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे फिल हुआ पड़ा, ये सारी चीज मुझे चेक करना होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है उनके सामने ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, ताकि उन लोगों की भी नॉलेज ज्यादा से ज्यादा गेन हो सके और जो उनके मन में डाउट या प्रॉब्लम है वो भी अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो ये सारी चीजें दोस्तों अभी फिलहाल मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अभी डेटा हम तैयार कर रहे हैं इसका। जैसे ही डेटा पूरा तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा और इसमें बताऊंगा कि हमने किस तरीके से GSTR9 फाइल किया, एक एक चीज आपके सामने फिल करके दिखाऊंगा। ऐसा भी नहीं कि मैं पहले से फिल कर लूंगा, एक एक चीज आपको फिल करके दिखाऊंगा और उसके बारे में बताता जाऊंगा। तो मेरे चैनल से बने रहने के लिए सबसे पहले एक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक आप लोगों को दूंगा टेलीग्राम का उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर खुद सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाके ऑनलाइन सेवा के नाम से और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो वहां से भी आपको रिसीव हो सके और मेरे यूट्यूब के माध्यम से भी रिसीव हो सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल सिर्फ मैं इतना आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि आप लोग उस टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। और अगर मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूं और ऐसे नए सब्सक्राइबर या फिर नए विजिटर जो मेरे चैनल को नहीं जानते या फिर मेरे वीडियो को नहीं देख पाते, तो वो टेलीग्राम से ज्वाइन होंगे तो वहां पे मैं जो मैसेज सेंड करूंगा या जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन वहां भी आपको मिलेगा, डायरेक्टली आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। दोस्तों तो आई होप कि आपको मेरे चैनल से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। वीडियो पसंद आती हो तो उसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसी से मुझे पता चलता है कि मेरे जो वीडियो हैं आप लोगों के लिए फायदेमंद हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।